2021 में एक सर्वे हुआ था कि कौन सा बिग फोर सबसे टॉप में है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब क्या कौन से बिग फोर सबसे ज्यादा कमाती है। और आप जानते हैं कौन से बिग फोर सबसे टॉप पे थी? सबसे टॉप पे थी डेलॉइट, जिसका रेवेन्यू था 50.2 बिलियन डॉलर। कैन यू इमेजिन कितना होता होगा ये INR टर्म्स में, जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सेकंड में थी PwC जिसका था 45.1 बिलियन डॉलर। थर्ड पे था EY जिसका था 39.9 बिलियन डॉलर। और फोर्थ पे था आपका KPMG तो जो था 32.1 बिलियन डॉलर। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम बात करें तो अगर डेलॉइट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे आप गैस कीजिए। अगर बिलियन डॉलर कंपनी है तो इसमें थे 3,45,000 एम्प्लॉइज, जबकि KPMG में अगर मैं बात करूं तो था 2,30,000, EY में बात करें तो 3,12,000 और PwC में है 2,95,000। इसके अलावा फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पे, ये थोड़ा सा आप कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, फिफ्थ पे था BDO जिसका रेवेन्यू है 10.3 बिलियन डॉलर, RSM का है 6.3 बिलियन डॉलर और ग्रैंड थॉर्नटन का था 5.72 बिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं कि टॉप रैंकिंग में सबसे ऊपर था डेलॉइट, फिर PwC, फिर EY, फिर KPMG। पर फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन सा फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो फर्म ज्वाइन कर रहे हैं क्या आप वहां पे काम सीख पा रहे हैं और बढ़िया से अपना ग्रोथ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको और हेल्प चाहिए इंटरव्यू रिगार्डिंग, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।